मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी से इंदौर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई थी। इस दौरान कई अहम जानकारियां भी पुलिस ने हासिल की। वहीं पूछताछ के दौरान सोनी से इंदौर की महिला थाना पुलिस खजराना, पुलिस MIG, पुलिस पलासिया, पुलिस तकोजगंज, पुलिस थानों की पुलिस ने पूछताछ की। बताते कि सभी थानों पर उसके खिलाफ अलग अलग मामलों में प्रकरण दर्ज हैं। किसी में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग तो किसी में रेप जैसे गंभीर अपराध भी उसके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए थे। अभी मुझे 4 बजे मैं निवास पर था पे, उस समय गेट कीपर द्वारा मुझे बताया गया कि जो जीतू सोनी जो मोस्ट वांटेड था इंदौर के, वो आज जेल दाखिल हुआ है और बहुत अधिक लगभग 50 से अधिक वारंट हैं उनके साथ आया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि किस जेल का वारंट है, तो उन्होंने बताया गेटकीपर ने कि केंद्रीय जेल इंदौर लिखा हुआ है। तो मैंने उसको जेल में दाखिल करने के आदेश दिए हैं और अभी वर्तमान में गेट में बैठा हुआ है। और जिस प्रकार की गंभीर प्रकार के आरोप आरोपी पे लगे हैं उसको देखते हुए जेल के अंदर व्यवस्था की गई है और अन्य बंदियों से और उनके स्वयं को उसकी स्वयं की जीवन रक्षा के लिए आरोपी को सेल में रखा जाएगा।